गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से एक बार रूब्रिक का सेशन करते हैं चार दोस्तों के साथ, है ना। तो हमारे सारे चार दोस्त अभी बैठे हुए हैं, सबका एक एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। यह है डॉक्टर रोहित मैत्रीकर, ये है हमारी वैष्णवी पाटनकर, ये है सुश्रुत सेलोकर और ये सिर्फ गुप्ता है, अखिलेश गुप्ता। तो ये सब डॉक्टर है, डॉक्टर अखिलेश गुप्ता। और मेरा नाम तो आप सब जानते ही होंगे, डॉक्टर सोनल पंचे भाई। तो हम लोग सब नागपुर से है। तो आज हम लोग रूब्रिक का सेशन, कंटिन्यू सेशन जो चल रहा है हम लोगों का, तो वो करना हम फिर से शुरू कर देते हैं। आज कुछ नए रूब्रिक्स लाए, लेकिन ऐसे रूब्रिक्स लाए कि जो बहुत बहुत क्लोज रूब्रिक्स है ना। तो इन लोगों ने बहुत मेहनत की है ये रूब्रिक्स पे, सो दैट आपको पता चले कि कैसी कैसी इसको डिफ्रेंशिएट करें और कैसी कैसी अपने क्लिनिक में लाए, है ना। तो सबसे पहला रूब्रिक हम लोग लेने वाले हैं, कौन सा लेंगे? एनवी। मतलब सबसे पहले क्या है, आप ही शुरू करो फिर। रूब्रिक देखेंगे तो एनवी एंड एवीडीटी, राइट, ऐसे करके रूब्रिक है अपने रेपर्टरी में। तो एनवी का मीनिंग है, एनवी मीन्स डिजायर फॉर एन एडवांटेज पोजेस बाय अनदर, राइट। इसमें क्या रहेगा, उसको एक डिजायर रहती है जो दूसरे के पास जो भी चीज है, वो नॉलेज हो सकता है, उसके पास कोई सामान हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, तो ये जो रहता है दूसरा बंदा, इसको उसकी इच्छा रहती है जो उसके पास है, इसको भी चाहिए रहता है, ये इसमें रहता है। और एविडिटी जो लेंगे तो एविडिटी मतलब क्या होता है, इसमें एक कीन इंटरेस्ट इन समवन या समथिंग। मतलब अगर दोनों भी चीजें अगर हम लोग देखने इसीलिए जाए, दोनों का वर्ड नियर अबाउट मतलब थोड़ा थोड़ा है। अब जैसे एनवी मतलब कैसा, कि मेरे पास नहीं है, आपके पास है, लेकिन मुझे ऐसा फीलिंग होगा कि यार नहीं यार, ये मेरे पास भी होता तो बहुत अच्छा होता, है ना, ऐसा ऐसा फील आ सकता है आपको। तो कीन इंटरेस्ट है उसमें, एविडिटी मतलब कीन इंटरेस्ट, कि मेरे को बहुत इंटरेस्ट है यार, ये चीज मुझे चाहिए करके। अगर कोई मतलब जैसे सक्सेसफुल है तो उसको देख के लगता है कि मुझे भी सक्सेसफुल होना है। एग्जैक्टली, वो मतलब पॉजिटिव वे में सोचता है, वैसा थोड़ा सा कॉम्पिटिटिवनेस भी रहता है, ठीक है। मतलब कैसे पॉजिटिव वे में अपन एनवी ज्यादा अच्छे से ले सकते हैं। राइट। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, राइट। जो चीज सामने वाले के पास है ना, वो चीज मुझ में नहीं है, तो वो चीज मुझे लानी है। ये एनवी एंड एविडिटी में ज्यादा रहता है। तो एनवी एविडिटी इज वेरी क्लोज टू वन मोर रूब्रिक, पर हम लोग इसको पहले समझते हैं कि मतलब कभी भी हमारे पास पेशेंट आएगा तो पेशेंट हमको हमेशा अलग अलग लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करेगा। कोई एग्जाम्पल, जिसे अभी हमने इतना मीनिंग बताया तो उसमें एक सिंपल वर्ड में ये रहेगा, व्हाट अदर हैव आई शुड आल्सो हैव, जो दूसरे के पास है मेरे पास भी होना चाहिए। ये और पॉजिटिव वे, सर ने बताया पॉजिटिव वे में रहेगा। जैसे अगर एग्जांपल से सर ने बताया एग्जांपल के बारे में, तो एग्जांपल ऐसा हो सकता है जैसे अभी मैं, मेरा पेट खराब है, मैं किसी फंक्शन में गया और मैं सबको देख रहा हूँ, सब इंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे, सब इंजॉय कर रहे हैं, मेरे दोस्त सब खा पी रहे, सब इंजॉय कर रहे, अच्छे चाट पानी पूरी चाट सब इंजॉय कर रहे हैं। मुझे उनको देख के ऐसा लग रहा है कि यार मेरा भी पेड़ अच्छा होता तो मैं भी इंजॉय करता मस्त, अगर मैं जैसे ठीक हूँ मैं भी जाऊंगा पहले यहाँ की पानी पूरी खाऊंगा, है ना। तो ये एनवी है, इसमें ये नहीं हो रहा है कि जैसे हम लोग दूसरा रूप लेंगे जेलसी बाद में, तो उसमें आएगा। तो अभी मैं जैसे ये बता रहा हूँ कि मतलब मुझे, मेरे मन में ये आएगा, अभी मेरा इंटरेस्ट है उसमें, है ना, कि मुझे भी खाना है वो, लेकिन मेरा पेट खराब इसीलिए वो मैं नहीं खा पा रहा हूँ। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वे में वो सोच रहा है कि यार ठीक है ना, वो लोग एंजॉय कर तो रहे लेकिन मेरा पेट खराब होने की वजह से, ठीक है जब मेरा पेट खराब नहीं होगा ना तो मैं भी जाके इस तरीके से एंजॉय करूंगा। तो ये एक एक शॉर्ट है, मतलब सेम ऐसा ही जेलसी में भी इसी तरीके का फीलिंग रहेगा, बट थोड़ा सा उसका रिएक्शन, सारी चीजें थोड़ी सी अलग रहेगी। तो जेस्टिंग क्या है, कौन बताएगा? जेस्टिंग जेलसी। देखो देखो देखो, ये चीज हमेशा होती है, मतलब कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो अब हम लोग जेलसी भी देखेंगे, तो जेलसी में सेम ऐसा ही फीलिंग होता है। जेलसी में क्या होता है ना, अरे यार ये लोग कैसी खा रहे हैं यार, मेरा पेट खराब है, कल इनका भी पेट खराब होना चाहिए, एकदम बराबर, है ना। जेलसी में इस तरीके का फीलिंग होगा, जेलसी में थोड़ा सा हेटेड होगा, राइट, दूसरों के बारे में, राइट। मतलब अगर पेशेंट आया था मेरे पास में, वो मतलब वही जैसे अखिलेश ने बताया था कि खाने के वक्त उसने बताया था पॉजिटिव वे में लेता, लेकिन इसने क्या बोला था कि वो खाना खाया, बाकी के भी खा रहे थे, मैंने भी खाना खाया, लेकिन कैसा मेरी तबीयत खराब हुई, मुझे पतली लग गई, तो बाकियों को भी
वैसे ही होने को बोला, ठीक है, मतलब ऐसा बोला था उसने. तो मतलब ये जेलसी है. हाँ. जेलसी के अलग अलग एग्जांपल्स भी आपको मिल सकते हैं. फॉर एग्जांपल कैसा है ना, एनवी और जेलसी में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बताता हूँ. एनवी वाला कैसा है ना, अब दो पड़ोसी है, एक दूसरे के बाजू में रहते हैं. तो दोनों पड़ोसी के, एक पड़ोसी ने बड़ी कार ली, तो ये इधर वाला पड़ोसी ना थोड़ा सा जेलसी में क्या बोलेगा, इसने कार, ये कैसा कार ले सकता है, इसकी औकात तो भी है क्या कार लेने की, ये कैसा है. तो ये जेलसी है. वही एनवी वाला रहेगा ना, वाह यार तूने कार ली, क्या बड़ी कार लिया, एक दिन मैं भी लूंगा. तो ये दोनों में एक डिफरेंस है, नेगेटिव और पॉजिटिव. राइट, जेलसी. हाँ बोलो बोलो बोलो. जेलसी वाला ना कार ली ना उसने, तो उसके कार को जाके कुछ ना कुछ काढ़िया करेंगे. जेलसी वाला था, क्योंकि इसमें वो जो नेगेटिव अप्रोच जो है वो उसमें है. बट जो दूसरा एनवी है वो ट्राई करेगा कि ओके तूने कार ली ना, ठीक है मैं कमाऊंगा एंड मैं कार लूंगा. राइट. फ्रेंडशिप्स में भी बराबर फ्रेंडशिप में भी देख सकते हो, बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं जो प्लान करते हैं या कुछ करते हैं. जैसे तीन चार लोगों का ग्रुप हो और वो प्लान कर रहा है, तो एक अगर नहीं जा पा रहा तो जेलसी में कैसा होगा ना, कि वो ये सोचेगा कि अच्छा ये प्लान कर रहा है, मैं चाह रहा हूँ या चाहती हूँ कि इनका प्लान ही कैंसिल हो जाए, क्योंकि मैं नहीं जा सकती ना तो ये भी नहीं जाएंगे, ऐसा. तो ये जेलसी हो जाती है फ्रेंडशिप में. वही एनवी वाली चीज थोड़ी अलग हो जाएगी, उसमें से लगा हाँ ठीक है तुम एंजॉय करो, नेक्स्ट टाइम मैं कुछ अपना पॉसिबल करूंगी या करूंगा और फिर मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन होऊंगा. तो ये एनवी हो जाएगा. राइट. एक छोटा सा एग्जांपल और है, इन्हीं लोगों का एग्जांपल है. अब कैसा ना, ये सारे बच्चे मेरे साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए है. कोई नए बच्चे आते है ना, तब ये लोग, सर आप बिल्कुल उनके साथ चाय नहीं पीना, सर आप बिल्कुल एंजॉय नहीं करना, ये सारी चीजें इन लोगों के साथ होती है. तो ये जेलसी ऐसी भर भर के आती है. इतना सच नहीं है. जेलसी कैसी है, मतलब दोधारी तलवार है. जैसे कि सर ने अभी एग्जांपल दिया था कि किसी ने गाड़ी ले ली, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास गाड़ी नहीं है और उसने देख लिया कि उसने गाड़ी ले ली, तो उसको भी जेलसी होंगी. लेकिन अगर किसी के पास गाड़ी है और दूसरे ने भी गाड़ी ले ली है जिसके पास नहीं थी, तो जिसके पास ऑलरेडी गाड़ी थी ना उसको भी जेलसी हो सकती है कि ये कैसे ले सकता है. राइट. ये दोनों साइड से चलती है. और अगर वो कार उससे बेटर मिल ली ना, तो और ज्यादा हो जाएगा, जेलसी का लेवल और बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा. सर इन बच्चों के साथ अपने फोटो कैसे खिंचवाए. अच्छा एक जेलसी का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए. ये मॉकिंग भी है. राइट. हम लोग इसी से हम लोग आगे बढ़ने वाले थे कि एक दूसरा सॉर्ट ऑफ, मतलब जो हम दो रूब्रिक और लेने वाले थे ना, उसमें ही मॉकिंग था और एक जेस्टिंग भी था. मतलब जैसे हंसते हंसते भी मजाक करना होता है और चुपते चुपते भी मजाक करना होता है, लोगों को चुभना चाहिए. तो कौन लेगा मॉकिंग? समय जेलेसी को थोड़ा सा एक वर्ड में, जैसा अपने एनवी के लिए बताया था कि व्हाट अदर हैव आई शुड आल्सो हैव, तो ऐसे ही जेलेसी के लिए भी है, व्हाट आई कैन नॉट हैव अदर शुड आल्सो नॉट हैव. राइट. दैट इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ जेलेसी. जेलेसी हर एनिमल जो भी है इस धरती पे सबके अंदर रहता है. और दैट इज द बेसिक नेचर ऑफ अ पर्सन. दैट इज कहीं ना कहीं बोल सकते हो, कहीं ना कहीं रहता है. और जेलसी इज गुड ऑल्सो समटाइम्स, इसीलिए हमें भी है सब में. हमें भी है सब में, सब में रहती है. और बिल्कुल फील मत करो कि इफ यू आर जेलस. और समटाइम्स क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा भी होता है, इफ समवन इज जेलस अबाउट यू ना, फील गुड कि दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग, है ना. तो ये भी हो सकता है. तो मोस्टली तो इस तरीके से हो सकता है. तो नेक्स्ट रूब्रिक पे जाए हम लोग. तो हम लोग नेक्स्ट रूब्रिक पे जाते हैं. तो नेक्स्ट रूब्रिक इज मॉकिंग. तो फिर मॉकिंग वैष्णवी. चलो. तो वर्ड मीनिंग होता है मॉकिंग का, मेकिंग फन ऑफ समवन और समथिंग इन अ वेरी क्रूअल वे. तो क्रूअल के जगह पे आप उसको कंटेम्पचुअस वे भी बोल सकते हो. हिंदी मीनिंग अगर नकल करना या मजाक उड़ाना होता है या थट्टा करना मतलब मराठी में, मतलब उसको बोलते हैं मजाक उड़ाना. हाँ. तो मॉकिंग का एग्जांपल आप डिफरेंट तरीके से आप मॉकिंग का एग्जांपल ले सकते हो. पहले तो मॉकिंग कैसे किया जाता है, मतलब देखो क्या होता है, जब भी आपके पास कोई पर्सन आता है, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं, यूजुअली करता हूँ तो इन लोगों का बताया था. तो पेशेंट आते हैं तो वो ऐसी अलग तरीके से ऐसी आपको कि नहीं ऐसी चुभन देखे जाते हैं मोस्टली. तेरे को कुछ एग्जांपल बताना है क्या? नहीं ना. तो हमेशा मॉक करते हैं ना. मॉक करना मतलब क्या है,
कंटेम्प्ट वे में उसको नीचा तो गिराना है, लेकिन ऐसा लाफ्टर वे में नीचा गिराना है उसको सामने वाले को, कि सो दैट उसको बुरा लगना तो नहीं चाहिए, पर अपना काम भी होना चाहिए कि जैसे एक आधा पेशेंट जा रहा है रस्ते से, अरे डॉक्टर सर आज आपके पास पेशेंट नहीं थे, तो मेरे को ऐसे लगा कि पेशेंट नहीं है तो चलो यार आज अपना काम जल्दी हो जाएगा, थैंक यू आज पेशेंट न रखने के लिए आपने. दिस इज ऑल्सो मॉकिंग. मतलब पेशेंट यूजुअली इस तरीके से आपके सामने मॉक कर सकते हैं. फ्रेंड्स में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरीके से मॉक करते हैं. मैं तो यूजुअली इन लोगों को मॉकिंग, हाँ बराबर है ना, चलो पढ़ते हो मेरे से और मैक्सिमम सब मेरे बीबी के तरफ से ही बात करते हो ना, है ना. मैडम के साथ ये लोगों का ज्यादा ट्यूनिंग बना है, तो सर चढ़े बच्चे हैं ये लोग तो हमेशा मैं इनको यही बोलते रहता हूँ, हाँ बराबर है ना, पढ़ते वक्त बराबर है ना. मतलब ये कैसा हो गया ना, ये मतलब मॉकिंग मतलब कैसा ना, वो मखमल के चप्पल से नकल कर सकता है वो किसी वर्ड के साथ में, ऐसे मजाक कर सकता है, उसके पीछे का लेकिन मकसद ये रहता है कि सामने वाले का तिरस्कार करना. कंटेम्प्ट में तिरस्कार करना, उसको नीचा दिखाना थोड़ा, लेकिन मजाक वे में, ताकि वो उसको बुरा उतना भी ना लगे और अपना काम भी, जैसे सर ने बताया उसी तरीके से. लेकिन मॉकिंग में थोड़ा हर्ट होता है, होता ही है, होता है, लगता है, उसका इंटेंशन वही रहता है ना, इंटेंशन वही रहता है कि हर्ट हो जाए, हर्ट हो जाए. जैसे अगर कोई फ्रेंड्स देखता होगा, ये सीरीज है यूएस की, ये बहुत बार उसमें परफेक्ट एग्जांपल अगर देना हो मॉकिंग का, तो वो चैंडलर होगा, चैंडलर बिन. सीरीज का नाम क्या है? फ्रेंड्स. सीरीज का नाम ही फ्रेंड्स है. पांच छह लोग हैं पूरे, और वो उसमें जो चैंडलर है वो पूरा मॉकिंग करता है हमेशा उनके बाकी फ्रेंड सर्कल की, तो वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है मॉकिंग का. और किसी को कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना है मॉकिंग को? तो ठीक है, तो मॉकिंग आप लोगों को समझ गया. एक एक मॉकिंग के बहुत क्लोज रूब्रिक जाता है, दैट इज जेस्टिंग. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू, क्या है ना, डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल आता है, क्योंकि हमको उसके पीछे का इंटेंशन समझना है. जेस्टिंग का इंटेंशन इज डिफरेंट, मॉकिंग का इंटेंशन इज ऑल्सो डिफरेंट. मॉकिंग का हर्ट करना है, थोड़ा निगेटिव वे में जाता है. जेस्टिंग में कैसा है ना, एकदम आपको ऐसा लगेगा कि मजाक करना, मस्त मस्त मजा करना, अम्यूजमेंट रहेगा, मजा आएगा उनमें, एनवायरमेंट हेल्दी रहेगा उसमें, राइट. तो मतलब कुछ कुछ लोग रहते हैं ना जो बिल्कुल आए बराबर ही हंसना खेलना शुरू हो जाता है, आपका भी खेलना शुरू हो जाता है, आपको यहाँ पे कहीं पे भी हर्ट नहीं होता, आपको यहाँ मजा आता है. मतलब आप डिप्रेशन में भी हो और वो आ गया ना पर्सन, तो आपको ऐसा लगेगा कि वाह यार ये आ गया ना, तो अपनी जिंदगी बन गई. मतलब हंसता है इंसान बहुत बार ऐसा, जैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस हो गए जो क्राउड वर्क करते हैं, तो उसमें वो जेस्टिंग करते हैं, वो मॉकिंग नहीं करते. जेस्टिंग मतलब वही कि वो किसी को भी रैंडमली किसी पर्सन को उठा लेंगे और पूछेंगे उनके नाम या उनके ऑक्यूपेशन, और उसपे वो मजाक करना स्टार्ट करते, तो उसके एक पर्सन की वजह से सारे लोग हंसते हैं, और उन्हें और जो उस पर्सन के बारे में वो बोल रहे हैं उसको भी हर्ट नहीं होता, वो भी मजाक में लेता है, वो भी हंस देता है कि हाँ ठीक है यार मजाक कर रहे हैं, तो वो जेस्टिंग हो गया, उसमें बुरा नहीं लगता है, सारी चीजें पॉजिटिव वे में होती है, और एनवायरमेंट भी अच्छा रहता है, एनवायरमेंट अच्छा रहता है यहाँ पे. मतलब यहाँ पे आपको कभी ऐसा बुरा नहीं लगेगा, हर्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप सबका लेवल कैसा ना, एकदम लाइट रहोगे तुम लोग भी. मतलब लेते वक्त भी बहुत सारी चीजें अच्छी हेल्दीली लोगे, ऐसा मतलब ये कुछ एग्जांपल्स है जेस्टिंग के. जेस्टिंग मतलब जैसे खुद पे भी क्लेश कर सकता है वो, दूसरों पे भी कर सकता है. मॉकिंग मोस्टली दूसरों पे ही करता है. जैसे मैं हमेशा इन लोगों को बोलता हूँ, ये लोग बोलते हैं ना सर आजकल आपके बाल बहुत झड़ रहे, तो मैं हमेशा इन लोगों को बोलता हूँ अरे यार बाल नहीं झड़ रहे, मेरी हाइट बढ़ रही है. देखो सर इसमें से बाहर आ रहा है ना, दैट मींस कहता है ना मेरी हाइट बढ़ रही है, तो दिस इज जेस्टिंग. तो आप इसको मतलब खुद पे भी जोक करना इज जेस्टिंग, ये कला है, और ये डिस्पोजिशन होता है बंदे का. ये डिस्पोजिशन होता है मोस्टली. और ये जो जोक करता है, जो मजाक करता है, उससे माहौल थोड़ा हल्का होता है, सब हंसते हैं, और हंस हंस का कोई हंसी रोक नहीं पाते, ऐसा उसका मजाक रहता है. तो ये जेस्टिंग है. तो आपको कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना है जेस्टिंग? ऑलमोस्ट क्लियर, ऑलमोस्ट क्लियर अबाउट, मुझे ऐसा लगता है सब लोगों का क्लियर हो ही चुका होगा. और कोई किसी को कोई डाउट होंगे तो आप लोग हमारे वीडियोस को फॉलो करो, हम लोग वो डाउट्स भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे. कमेंट सेक्शन में डालो, सो दैट हम भी कुछ कुछ क्लोज क्लोज रूब्रिक्स लेने की कोशिश करेंगे. तो और मजा करेंगे, ऐश करेंगे, और हमेशा पढ़ाई करो, जेस्टिंग करेंगे और हंसते हंसते करो. कभी कभी मॉकिंग भी हो गया तो भी चलेगा,
पर ज्यादा दिल पे मत लो, खुश रहो, मजा करो, मस्ती करो, ऐश करो, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करो, पक्का करो, ये तो मेन है। सो थैंक यू ऑल, मजा आया आज के इसमें और आप लोगों के साथ बात करने वक्त, और बहुत मजा आते रहती है हमको, तो हम लोग ऐसा आपको और वीडियोस के साथ और मिलेंगे। थैंक यू, बाय।